सर, उस दिन जो आपके साथ मारपीट हुआ था यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा, क्या कुछ अभी तक हुआ? मैंने FIR उसी दिन दर्ज कर दिया था जी। साथ साथ में पुलिस भी अपना कार्रवाई कर रही है। DM सर एश्योर किए थे कि इन लोगों को 3 से 4 दिन के अंदर में अरेस्टिंग होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कार्रवाई प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। देखिए, हमें भरोसा है अपने प्रशासन पे। सवाल यह उठता है कि आजकल के डेट में अगर अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, जो भी चेयरमैन थे और उनके कलीग्स जो भी आके अटैक किए थे, उन लोगों का सीधा सीधा एक ही जरिया है कि भाई हम 50 लाख रुपए लगाए हैं, हमें किसी तरह से निकालना है। तो मैं वैसा ऑफिसर हूँ, भले ही डे वन से मेरे पे 20,000-25,000 इवन मोर देन दैट केस ये लोग चाहे कंप्लेन किया है, तो उस कंप्लेन का सीधा सीधा नतीजा है कि इन लोगों के साथ मैं नहीं हूँ। ऑफिस जो नियम कहता है उसी के अनुसार, उसी की वजह से एक ये लोग कितना दिन से प्लानिंग करते 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 कि भाई ये तो मेरा बात मान नहीं रहा, नियम के अनुसार चलेगा तो क्यों ना इसके साथ कुछ ना कुछ किया जाए, इसलिए उस दिन अटैक किया लोग। और मुझे भरोसा है अपने प्रशासन पे कि इन लोगों की अरेस्टिंग जल्दी ही जल्दी होगी, जल्द से जल्द होगी। नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा भी कुछ आरोप आप पे लगाया गया, आप पे भी FIR दर्ज कराया गया है, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें देखिए, होता ये है कि किसी भी थाना अध्यक्ष को ऑफिसर के अगेंस्ट में FIR दर्ज नहीं करना होता है। अब इन लोगों के दबाव में, चाहे लोगों के दबाव में लोग, थाना अध्यक्ष लोग FIR दर्ज किए हैं, जो कि उनको अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछ के FIR दर्ज करना होता है, जैसे कि SDPO सर से, चाहे DSP सर से जी। तो वो सब किया नहीं है, लेकिन वो दर्ज करना कोई इशू नहीं है, सब लोग सच्चाई जानता है, वीडियो में साक्ष्य है, किसी की गवाही की जरूरत भी नहीं है। आप भी देख सकते हैं, आप लोग देखे भी होंगे कि वीडियो में साफ साफ फुटेज में साफ साफ आ गया है कि किनका क्या हरकत है, क्या प्रॉब्लम है। पूरा जनता यहाँ की, महाराजगंज नगर पंचायत की जनता बोल रही है कि गलती सरासर उन लोगों में है। वो लोग इस तरह के नेचर से बिलोंग करते हैं, तो गलती तो उन्हीं लोगों में है, उन लोगों की सजा जरूर होगी। आप जिले के वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे अपने पक्ष में? मैं मांग किया हूँ रिटर्न में जी कि हाँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, इसका इन लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए। एनी हाउ, आपका परिचय सर? मैं अरविंद कुमार सिंह, यहाँ नगर कार्यपालक पदाधिकारी। धन्यवाद सर।